जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम अगले साल 2023 में 4 टेस्ट और 3 वनडे सीरीज के मैचों खेलने भारत दौरे पर आएगी। दोनों देशों के बीच में इस श्रृंखला का आयोजन फरवरी मार्च 2023 में किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट वनडे सीरीज को लेकर बीसीसीआई ने कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को भारत सरजमी पर टेस्ट सीरीज जीते काफ़ी समय बीत गया है। जी हाँ दोस्तों, कंगारू टीम ने भारतीय धरती पर 18 साल पहले 2004 में अंतिम बार टेस्ट सीरीज जीती थी। तब से ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से हराया था। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया को भारतीय सरजमी पर टेस्ट सीरीज जीतने का इंतजार है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट और 3 वनडे मैचों कब और कहां खेले जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ईशान किशन और ऋषभ पंत में टीम इंडिया के लिए कौन सबसे बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज है, हमें कमेंट कर जरूर बतलाएं। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज से आगाज करेगी। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट 9 फरवरी से 13 फरवरी के बीच खेला जाएगा। इस दौरान दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 17 फरवरी से 21 फरवरी तक दिल्ली के मैदान पर खेला जाएगा। बात करें तीसरे टेस्ट मैच की, तो तीसरा टेस्ट मैच 1 मार्च से लेकर 5 मार्च के बीच खेला जाएगा धर्मशाला के मैदान पर। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच चौथा टेस्ट मैच 9 मार्च से 13 मार्च के बीच अहमदाबाद के मैदान पर खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद दोनों देशों के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 17 मार्च को मुंबई मैदान पर खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 19 मार्च को विशाखापट्टनम मैदान में खेला जाएगा। इसके अलावा बात करें तीसरे और आखिरी मुकाबले की, तो 22 मार्च को चेन्नई के मैदान पर खेला जाएगा।